क्या सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर से इविक्ट हो गए हैं? क्या बिग बॉस के टीआरपी में अब आएगी गिरावट? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अब बिग बॉस कर देंगे अपने दरवाजे बंद? जी हाँ, ये सारे सवाल और इन सवालों का एक जवाब, जवाब ये कि इन दिनों सिद्धार्थ शुक्ला को हो गया है बिग बॉस के घर में टाइफाइड। इसके लिए हम आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में ही उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई, उसमें सिद्धार्थ शुक्ला को टाइफाइड है, इस तरह की रिपोर्ट कंफर्म हुई। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला इन दिनों बिग बॉस के घर में है ज़रूर, वो पहले की तरह अभी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़े लूज पड़ जाते हैं, थोड़े ढीले ढाले हो जाते हैं, लेकिन वो अपने हर टास्क को पूरी मजबूती के साथ करते हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि पारस छाबड़ा जो घर से बाहर हो गए हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट आ रही है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि पारस छाबड़ा सीक्रेट रूम में जाएंगे या फिर शुक्रवार को वो मीडिया के सामने इंटरव्यू देते नजर आएंगे। वैसे आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कितनों को ये लग रहा है पारस छाबड़ा की जगह सिद्धार्थ शुक्ला इविक्ट हो गए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला को घर में ही रखा गया है, उनकी दवा का और उनकी मेडिसिन का पूरा इंतजाम किया गया है, वो बहुत ही तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो टास्क में भी नजर आ रहे हैं। ये बात और है कि पहले से उनके में वो जोश नहीं रह गया है, भाई उनको टाइफाइड हुआ है और जल्दी से वो रिकवर करके फिर से पहले जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हुआ करते थे उस तरह से आएंगे। और यहाँ आपको एक बात और बता दें कि सब ये कह रहे हैं कि पारस जाएंगे सीक्रेट रूम में और वहाँ से निगरानी रखेंगे घर वालों की कि उनके बारे में उनके जाने के बाद क्या हुआ, और फिर लगाएंगे सबकी क्लास आने के बाद। लेकिन भाई जो भी हो, बिग बॉस 13 बड़ा ही टेढ़ा है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दिल थाम के बैठिए। अगर पारस छाबड़ा ने घर में दोबारा एंट्री मारी तो न जाने कितने कितनों की हालत वो पतली कर देंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।